टुडे वी गोना टॉक अबाउट अ वेब सीरीज कॉल्ड द विचर। आज हम इसके सीजन 1 एंड एपिसोड 3 के बारे में बात करेंगे। आई होप कि आपने इसके पहले इसका फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड जरूर देखा होगा, और अगर नहीं भी देखा होगा तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर से चेकआउट कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इस एपिसोड की शुरुआत टिमेरिया राज्य से होती है, जहाँ पर गेराल्ट की बिरादरी का एक और विचर एक दैत्य का शिकार करने के लिए आया होता है। अब यहाँ पर गेराल्ट की बिरादरी यानी कि ये भी स्कूल ऑफ द वुल्फ का हिस्सा होता है, और यही रीजन होता है कि इसके गले में भी बिल्कुल सेम टू सेम गेराल्ट के जैसा ही एक ताबीज होता है। इस राज्य के लोग उसे बताते हैं कि वुकोडलैक नाम का एक दैत्य जो कि आए दिन हमारे गाँव के लोगों पर हमला करता रहता है, आपको कैसे भी करके उस दैत्य से हमारा पीछा छुड़वाना होगा। जिसके बाद में न्यू वाला विचर इन लोगों से करीब 3000 ऑरेंज लेकर उस दैत्य के शिकार पर निकल पड़ता है, मगर इन दोनों की चलती लड़ाई के बीच में वो दैत्य इस पर भारी पड़ जाता है और ये नया विचर वहीं पर जान से मारा जाता है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है गेराल्ट पर, जो कि इस वक्त खुद का टाइम स्पेंड करने के लिए एक रेड लाइट एरिया में पहुंचा होता है, मगर तभी इसे खबर मिलती है कि इसके बिरादरी का एक विचर जो कि टिमेरिया में बाउंटी हंटिंग करने के लिए गया था उसकी डेथ हो चुकी है। इन विचर्स की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं होती है, क्योंकि ये तो लोगों के द्वारा दिए गए पैसों पर ही जिंदा रहते हैं। हालांकि यहाँ पर गेराल्ट रेड लाइट एरिया में तो आ चुका था, मगर उसके पास में देने के लिए पैसे नहीं होते, और इसी वजह से वो वहाँ के ओनर को अपना घोड़ा रोश दे देता है और पैदल ही टिमेरिया के लिए निकल पड़ता है। ये सोच कर कि शायद हो सकता है कि जिस काम को पुराने विचर ने पूरा ना किया हो उसे मैं पूरा कर दूंगा। जिसके बाद में हमें टिमेरिया राज्य दिखाया जाता है। गेराल्ट वहाँ के लोगों से पूछताछ करता है उस दैत्य के बारे में जिसने कि उसके साथी को कभी मारा था, जहाँ पर एक शख्स गेराल्ट को बताता है कि कई सालों से वुकोडलैक नाम का एक मॉन्स्टर उनके ऊपर कई टाइम से हमले कर रहा है, और हमारा राजा फॉल्टेस भी हमारी मदद नहीं कर रहा है। इनफैक्ट वो तो खुद का महल छोड़कर एक दूसरी ही जगह नया महल बनाकर रहने लग गया है, इसलिए हम लोगों ने राजा के खिलाफ एक रेबेलियन ग्रुप बनाया है ताकि मौका पड़ने पर हम हमारे राजा से बदला ले सकें। यहाँ पर गेराल्ट कहता है कि शायद हो सकता है कि मैं तुम्हें उस दानव से मुक्ति दिला पाऊं, मगर ये लोग कहते हैं कि हमें अब विचर्स पर भरोसा नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम जिस विचर को हमने उस दानव को भगाने का काम दिया था उसको हमने करीब 3000 ऑरेंज दिए थे, मगर वो तो हमारा काम बिना करे ही भाग गया। जिसे सुनकर गेराल्ट कहता है कि उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए ये काम सिर्फ 1000 ऑरेंज में करने के लिए तैयार हूँ, और पैसा भी आपसे काम पूरा होने के बाद में लूंगा, पहले नहीं। इतने में ही वहाँ पर किंग फॉल्टेस का दरबारी और उसके कुछ सैनिक पहुँच जाते हैं और गेराल्ट को टिमेरिया छोड़ देने का हुक्म देते हैं। अब इतने सारे लोगों को देखकर गेराल्ट वहाँ पर खून खराबा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उस राज्य को छोड़कर निकल जाता है, मगर रास्ते में उसकी मुलाकात ट्रिस मैरीगोल्ड से होती है, जो कि होती है किंग फॉल्टेस के लिए काम करने वाली एक विच। अब विचर के यूनिवर्स में मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। हर राज्य के हर राजा के पास में सलाहकार के रूप में एक विच होती है, और लास्ट एपिसोड में मैंने जो आपको टिसेड एवरेस्ट के बारे में बताया था, जो कि नॉर्मल लड़कियों को विचेस बनने के बारे में प्रैक्टिस दे रही होती है, तो ये इसी से रिलेटेड होता है। यानी कि आप एक तरीके से टिसेड एवरेस्ट को विचेस का ब्रोकर भी कह सकते हैं। यहाँ पर ट्रिस गेराल्ट को एक शानदार ऑफर देती है और कहती है कि तुम्हें मैं पैसे जरूर दूंगी, मगर उस दैत्य को मारने के लिए नहीं बल्कि उसे बचाने के लिए, ताकि ट्रिस उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ा शराब उतार कर उसका इलाज कर सके। जहाँ पर गेराल्ट इस बात को सुनकर समझ जाता है कि जरूर ये दानव किंग फॉल्टेस के लिए कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंस रखता है, तभी तो उसकी विच मेरे पास में मदद मांगने के लिए आई है। जिसके बाद में ये दोनों ही ट्रिस के खुफिया अड्डे पर पहुंचते हैं। यहाँ पर ट्रिस गेराल्ट को बताती है कि इन सभी हमलों की शुरुआत क्वीन एडा के मरने के बाद से शुरू हुई, और ये मॉन्स्टर पुराने महल के क्वीन एडा की कब्र में रहता है। क्वीन एडा यानी कि किंग फॉल्टेस की सिस्टर। कहा जाता है कि क्वीन एडा का मरने से पहले किसी अननोन इंसान के साथ में अफेयर चल रहा था, और अपनी मौत के समय वो प्रेग्नेंट थी, बट किसी को नहीं पता कि वो आदमी कौन था और वो बच्चा किसका था। क्वीन एडा के मरने के बाद में फॉल्टेस ने कभी शादी नहीं की। इसका मतलब साफ था कि क्वीन एडा का वो बच्चा होने वाली टिमेरिया का आखिरी वंशज था। जिसके बाद में ट्रिस उसे पुराने विचर की डेड बॉडी दिखाती है, जो कि दानव की लड़ाई के वक्त मारा गया था, और साथ ही गेराल्ट को ये भी बताती है कि इसी ने गांव के अंदर ही अफवाह उड़ाई थी कि ये विचर उनके पैसे लेकर भाग गया, ताकि किसी को पता ना चल पाए कि आखिर ये मॉन्स्टर कितना ज्यादा खतरनाक है। जहाँ पर गेराल्ट अपने साथी की बॉडी की जांच पड़ताल करता है, और तब इसे पता चलता है कि इसकी बॉडी से इसका दिल और जिगर दोनों गायब है, जिससे गेराल्ट को ये पता चलता है कि जिस वुकोडलैक को ये लोग ढूंढ रहे हैं वो तो एक स्ट्रिगा है। स्ट्रिगा प्रजाति के दैत्य नॉर्मली अवेलेबल नहीं होते, ये काफी रेयर होते हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ शराब के जरिए ही बनाया जा सकता है, और ये शराब भी काफी ज्यादा स्पेसिफिक है। यानी कि शराब को सिर्फ गर्भवती औरत को ही दिया जा सकता है, यानी कि वो प्रेग्नेंट होनी जरूरी है, और जब उस बच्चे का जन्म होता है तो वो पैदा होने के बाद में एक स्ट्रिगा बन जाता है। ये मॉन्स्टर लोगों के दिल और जिगर पर ही जिंदा रहता है, यही उसकी खुराक होती है। यहाँ पर एक छोटा सा कैच है, स्ट्रिगा ऑलवेज फीमेल होती है,
होती है, ये कोई मेल नहीं होते। अब इन सारी बातों की कनेक्टिविटी के बाद में गेराल्ट ये बात समझ जाता है कि क्यों फॉल्टेस के लिए वो मॉन्स्टर जिंदा इतना जरूरी है, जिसके बाद में ट्रिस गेराल्ट को किंग फॉल्टेस के पास लेकर जाती है। उसके सामने आते ही गेराल्ट उसे कहता है कि मुझे पता चल गया है कि एडा का वो सीक्रेट आशिक तू ही है और ये स्ट्रीगा तेरी और एडा की नाजायज औलाद है। अब बिना समय गवाए मुझे फटाफट से बता कि आखिर स्ट्रीगा पर ये श्राप किसने डाला था, ताकि मैं उस श्राप को तोड़कर उस लड़की को उसकी बुरी जिंदगी से मुक्त कर सकूं। वेल, इस बात को जब मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना था तो मुझे लिटरली गेम ऑफ थ्रोन्स की जैमी और सर्सी लेनेस्टर की याद आ गई, क्योंकि ये दोनों भी भाई बहन ही थे और इंटरनली इनके बीच में भी घपाघप चलता रहता था। पुराने लोग बड़े शौकीन हुआ करते थे। अब यहाँ पर फॉल्टेस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसने इतने सारे राज दरबारियों के बीच में ही उसे ये बात बोल दी थी, और अब वो गेराल्ट और साथ ही ट्रिस को वहां से जाने के लिए कह देता है। मगर गेराल्ट वापस जाने की बजाय ट्रिस के साथ में पुराने महल में पहुंचता है, जहां पर एडा की कब्र मौजूद होती है, जिसके बाद में ये दोनों ही एडा के रूम में पहुंचते हैं, जहां पर ट्रिस को क्वीन एडा की माँ के द्वारा लिखे हुए खत मिलते हैं, जिसमें लिखा होता है कि तू अपने नाजायज बच्चे को गिरा दे। मगर एडा हमेशा से ही अपनी माँ को मना करती रहती थी और कहती थी कि मुझे इस बच्चे को जन्म देना है। अब इन सभी लेटर्स को लेकर ये दोनों राजा फॉल्टेस के मेन राज दरबारी के पास पहुंचते हैं, जो कि सालों से फॉल्टेस परिवार का एक काफी अच्छा सेवक होता है। अब देखा जाए तो एडा की मॉम फॉल्टेस की भी तो मॉम ही हुई, तो यहाँ पर इन्हें लगता है कि पुरानी रानी साहिबा यानी कि उन दोनों की मम्मी, उन्होंने ही अपनी बेटी को ये श्राप दिया हो सकता है। लेकिन जब गेराल्ट उस राज दरबारी के पास पहुंचता है तो उसे कुछ स्मेल आती है, और ऐसी ही कुछ स्मेल गेराल्ट को क्वीन एडा के रूम में भी आई थी। बेसिकली ये भी विचर्स की एक स्पेशल पावर का हिस्सा होती है, जहाँ पर ये सूंघकर अपराधी को पकड़ सकते थे। गेराल्ट का शक अब धीरे धीरे यकीन में बदलता जाता है और वो उस राज दरबारी से और भी ज्यादा इंटेरोगेशन चालू रखता है, जहाँ पर फाइनली वो राज दरबारी बताता है कि एक टाइम पर वही क्वीन एडा से प्यार किया करता था, मगर क्वीन एडा ने अपने ही भाई के साथ मिश्क लड़ाकर खुद की और इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। जहाँ पर गेराल्ट उससे पूछता है कि आखिर बताइए श्राप को किस प्रकार खत्म किया जा सकता है, लेकिन दरबारी उसे ये बताने से इनकार कर देता है। जहाँ पर गेराल्ट को गुस्सा आ जाता है और वो उसे उठाकर सीधा एडा की कब्र के पास ले जाकर बांध देता है और कहता है कि अगर तूने समय रहते मुझे इस श्राप का हल नहीं बताया तो तेरा ही बनाया हुआ श्राप यानी कि स्ट्रीगा आकर तुझे ही खत्म कर देगा। जिसे सुनकर ये राज दरबारी काफी ज्यादा डर जाता है और सारी सच्चाई बकने लगता है। उस श्राप को खत्म करने के लिए गेराल्ट को रात से लेकर सुबह तक स्ट्रीगा को उस कब्र में जाने से रोकना होगा, और सुबह होने के बाद मुर्गे के 3 बांग कंप्लीट होते ही स्ट्रीगा का वो श्राप उतर जाएगा, जिसके बाद में वो एक लड़की में बदल जाएगी। गेराल्ट वहीं पर दरबारी को बंधा छोड़कर स्ट्रीगा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहीं कुछ ही देर बाद में स्ट्रीगा पहुंच जाती है और सबसे पहले तो उस राज दरबारी को पाकर उसका दिल और जिगर खा जाती है, और फिर आकर गेराल्ट से मुकाबला करती है। यहाँ पर गेराल्ट अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर देता है, हर एक इक्विपमेंट हर एक औजार उसके ऊपर इस्तेमाल करके देखता है, मगर स्ट्रीगा इतनी ताकतवर होती है कि उसके सामने कुछ भी नहीं चल पाता। जिसके बाद में फाइनली गेराल्ट अपनी ताकत से बाहर जाने वाले हर रास्ते को बंद कर देता है और खुद को क्वीन एडा की कब्र में बंद कर लेता है, ताकि सुबह होने तक ना ही वो स्ट्रीगा बाहर भाग सके और ना ही कब्र के अंदर सो सके। एंड फाइनली एट द एंड गेराल्ट का ये प्लान काम कर जाता है, और जब अगली सुबह वो इस कब्र को खोलता है तब तक मुर्गे की 3 बांग आ चुकी होती है और स्ट्रीगा का वो श्राप भी उतर जाता है, जहाँ पर वो अब एक नॉर्मल लड़की बन चुकी होती है। मगर इस वक्त भी उस लड़की के अंदर वो हैवानियत अभी भी होती है, और तभी वो एक पंजा गेराल्ट के सीने पर मार देती है। यहाँ पर गेराल्ट भी अपनी जान बचाने के लिए उस लड़की के गले पर वार करता है। ये दोनों ही काफी खूनम खान हो जाते हैं और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। जब थोड़ी देर बाद में गेराल्ट की आंख खुलती है तो वो अपने सामने ट्रिस को पाता है, जहाँ पर ट्रिस उसे बताती है कि तुम्हें इस वक्त आराम की जरूरत है, तुम्हें उस लड़की की चिंता छोड़ देनी चाहिए, मैंने उसे सही हाथों में सौंप दिया है। और फिर ट्रिस वादे के मुताबिक गेराल्ट को उसका इनाम देती है, जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है एरिटूजा में, और यहाँ पर हम स्ट्रेट और साथ ही येनेफर को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त आपस में इतना घुल मिल गए थे कि इंटीमेट हो जाते हैं। यहाँ पर कई दूसरे जादूगर भी होते हैं, जो कि इन्हें अगले आने वाले इनिशिएशन डे के लिए रेडी होने को बोलते हैं। इनिशिएशन डे को हम एक ग्रेजुएशन का डे मान सकते हैं। बेसिकली इस दिन ये दो और बाकी बचे हुए सारे बच्चे जादूगर या फिर जादूगरनियां कम्प्लीटली बन जाएंगे, जिसके बाद में एरिटूजा के सभी मेन मास्टर्स या फिर कह सकते हैं कि बोर्ड ऑफ चेयरमैन की मीटिंग ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी जादूगरनी किस राजा के लिए काम करेगी। और जैसा कि मैंने शो की स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि हर एक विच एक राजा के लिए काम किया करती है, उनका काम होता है राजा को सलाह देना और मुसीबत
के वक्त उसकी जान बचाना। इसके एग्जाम्पल के लिए हम फॉल्टेस के पास में ट्रिस को देख सकते हैं, क्योंकि ट्रिस हर वक्त फॉल्टेस के लिए उसके सारे काम किया करती थी। यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के बाद में ये लोग डिसाइड करते हैं कि येनेवर को एड्रियन राज्य के राजा के पास भेजा जाएगा। ये राजा बेसिकली अपने ही लोगों को प्रेफर करता है, और अब क्योंकि येनेवर का गांव भी एड्रियन राज्य के अंतर्गत ही आता होता है, सो शी वुड बी ए परफेक्ट चॉइस फॉर द किंग। लेकिन अपने इनिशिएशन डे के पहले कोई भी जादूगर दें अगर चाहे तो अपना पूरा रूप बदल सकती है और अपने आप को जितना चाहे उतना खूबसूरत बना सकती है। जहाँ एक तरफ तो येनेवर खुद को सुंदर बनाने के लिए एक प्लास्टिक सर्जन के पास पहुँचती है जो की इन्हीं मास्टर्स का एक बंदा होता है, वही दूसरी तरफ बोर्ड ऑफ चेयरमैन की मीटिंग चल रही होती है जहाँ पर स्ट्रेगोबोर बताता है कि येनेवर के अंदर एक एल्फ का खून है और एडरिन के घराने के लोग तो एल्फ से सख्त नफरत करते हैं। जहाँ पर अब सारे मास्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि एडरिन के लिए किसी और जादूगरी को चूज करना पड़ेगा और येनेवर को भेज दिया जाएगा निल्फगार्ड। लेकिन ये खबर इस वक्त तक येनेवर तक पहुँच जाती है। इस बात को सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सबसे पहले तो जाकर स्ट्रीट को काफी खरी खोटी सुनाती है। देन जाती अपने प्लास्टिक सर्जन के पास पर उसे बोलती है कि मुझे जितना हो सके उतना सुंदर बना दे। तो वो कहता है कि ये प्रोसेस में कर तो दूंगा मगर इसमें तुम्हें काफी ज्यादा दर्द होगा। इस दर्द को कम करने के लिए मुझे तुम्हें बेहोश करना पड़ेगा और इस वक्त मेरे पास में बेहोश करने वाली दवा नहीं है। रिप्लाई में येनेवर कहती है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं सारे दर्द को सह लूंगी, तुम बस इस प्रोसेस को स्टार्ट करो। जहाँ पर अब ये बंदा अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर देता है जो कि लिटरली काफी ज्यादा दर्दनाक होता है। अब जैसा कि कहा गया है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो इस प्रोसीजर के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जहाँ पर एक तरफ येनेवर सुंदर तो हो जाएगी मगर दूसरी तरफ वो जिंदगी में कभी माँ नहीं बन पाएगी, क्योंकि इस प्रोसेस में उसका यूट्रस निकाल दिया जाता है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है एक डांस पार्टी में जहाँ पर येनेवर अपने नए रूप के साथ पहुँचती है और जाता ही सीधा एडरिन के राजा के साथ में डांस करने लगती है। एडरिन का राजा भी अब येनेवर की खूबसूरती के ऊपर पूरी तरीके से लट्टू हो जाता है। जहाँ पर येनेवर उसे ये भी बताती है कि मैं तुम्हारे ही किंगडम से बिलोंग करती हूँ। इस बात को सुनकर सारे जादूगर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं कि आखिर येनेवर ने एडरिन के राजा के साथ में ऐसा सलूक क्यों किया, क्योंकि बोर्ड चाहता था कि वो कहीं और जाए और उसने एडरिन के राजा को फंसाने की कोशिश करी। वहीं पर हमारी मुलाकात दो शरारती बच्चों से भी होती है जिनका नाम होता है फॉल्टेस और एडा, और यहीं से हम इन सभी की एक्चुअल टाइमलाइन का पता लगा सकते हैं। यानी कि येनेवर की कहानी सबसे पुरानी टाइमलाइन में चली है क्योंकि यहाँ पर फॉल्टेस अभी एक बच्चा है, वहीं पर गेराल्ट की कहानी बीच में चली है और सीरी की टाइमलाइन सबसे लेटेस्ट है। आई होप कि मेरे लास्ट वाले एपिसोड में मैंने आपको जो बात कही थी वो आपको अभी भी याद होगी कि इन सभी की टाइमलाइन में 30, 12 और प्रेजेंट टाइम का डिफरेंस है। जहाँ पर अब सीन शिफ्ट होता है सीरी पर, ये अपने एल्फ दोस्त के साथ में होती है कि तभी वहाँ पर उसे कोई पुकारने लगता है और अब इस आवाज को सुनकर सीरी पूरी तरीके से उसके वश में आकर जंगलों की झाड़ियों में चली जाती है। उसका एल्फ दोस्त उसे रोकने की काफी कोशिश भी करता है मगर सीरी तो कुछ भी नहीं सुनती और बस आगे चलती जाती है। वो उसे बचाने के लिए उसके पीछे भी भागता है मगर तभी जंगल से एक तीर आकर उसे लग जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइस, क्या होगा इसके नेक्स्ट एपिसोड में? क्या तीर मारने वाले लोग सीरी को भी जान से मार देंगे? और क्या होगा जब विचर की मुलाकात येनेवर से होगी? और क्या होगा जब येनेवर एडरिन राज्य के घराने की एक विच बन जाएगी? सो इन्हीं सभी सवालों के जवाब पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि इसका नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी लेकर आने वाला हूँ। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।